Fe2O4 चेंज हो रहा है Fe3+ में, तो आपको क्या करना है, एन फैक्टर निकालना है आयरन का। आयरन का एन फैक्टर है 1 और C2O4 का एन फैक्टर है 2, क्योंकि दोनों ये लॉस हो रहा है, तो टोटल एन फैक्टर इसका हो जाएगा 3। तो अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है, अगर दोनों स्पीशी क्या हो रहे हैं, ऑक्सीडाइज्ड, तो उस केस में एन फैक्टर क्या हो जाएगा, एड, देन एन फैक्टर टोटल विल बी टोटल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोलिए, समझ आ रही है बात? सर दोबारा बताना। देखिए, इसमें अगर हम बात करें, आयरन का भी ऑक्सीडेशन हो रहा है Fe3+ में, एंड C2O4 का भी ऑक्सीडेशन हो रहा है CO2 में, और यहाँ से एक का एन फैक्टर 1 है और एक का एन फैक्टर 2 है, क्योंकि दोनों ही ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, तो टोटल एन फैक्टर हो जाएगा सम। तो यहाँ से ये स्टेटमेंट बन गई हमारी, इफ बोथ स्पीशी ऑक्सीडाइज्ड, अगर दोनों स्पीशी ऑक्सीडाइज होंगी तो टोटल एन फैक्टर होगा लॉस ऑफ, टोटल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो टोटल लॉस कितना हुआ भाई, ऑक्सीडेशन में अगर एन फैक्टर 1 लिख रहे हैं तो मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है, तो टोटल एन फैक्टर कितना हो गया, 2+1 3। ठीक है, बताइए, आया समझ? यस सर, यस सर। ओके, नाउ उसके बाद क्या कहते हैं, अगर हम आते हैं Fe2O3, तो वो किस में चेंज होगा, Fe3+ प्लस SO4 2-। एन फैक्टर निकालो, और क्वेश्चन जो है वो ऐसा नहीं आएगा, क्वेश्चन हमेशा ऐसे आएगा, व्हाट इज द एन फैक्टर ऑफ Fe2O3। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला है लर्न इट, यानी इन चीजों को आपको याद करना है, तो लर्न करना है कि कौन किसमें कन्वर्ट हो रहा है। तो मैंने अभी लिख दिया है आपकी हेल्प के लिए कि कौन किसमें कन्वर्ट हो रहा है, बट ये एग्जाम में नहीं आएगा, बट अभी आपकी हेल्प के लिए लिख दिया है। एंड ट्राई टू फाइंड एन फैक्टर, एन फैक्टर निकालने की कोशिश करिए। नाइन नाइन सर, नाइन नाइन सर। सही जवाब। नाइन, बिल्कुल सही जवाब। इसमें बस आपको ये पता होना चाहिए, आयरन कन्वर्ट हो रहा है Fe3+ में, और S2O3 कन्वर्ट हो रहा है SO4 में, और अब आपने अभी तो सही है, लेकिन कुछ दिनों बाद तो इसे भूल जाओगे, कि अभी अगर हम देखें, इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है 1 और दूसरे में इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है 8, तो अगर हम बात करें टोटल इलेक्ट्रॉन लॉस क्या हो जाएगा, इसको आप ऐड कर दो 9। बोलो, आई बात समझ? मेरी आवाज आ रही है क्या बच्चों तुम्हें? यस आ रही है आप दीपिका, आप एक बार माइक चेक करो या रीस्टार्ट करो, या फिर माइक निकाल के अगर ईयरफोन यूज करो दोबारा लगाओ, कई बार सॉकेट में इंसर्ट नहीं होता तो प्रॉब्लम आ जाता है। हाँ, अब ये दोनों अगर समझ आए हैं तो मैं एक बहुत ही आसान क्वेश्चन देता हूँ तुम्हें, ठीक है? बहुत ही आसान नहीं, मतलब उसमें तुम्हें घबराना नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल ए और बी जैसा है, बस क्या है कि थोड़ा टर्म्स बहुत ज्यादा है। इसमें तीन एलिमेंट शायद ऑक्सीडाइज हो रहे हैं या रिड्यूस हो रहे हैं, शायद, आई डोंट नो। तो ये एलिमेंट है Fe(CN)6 4-, ये कन्वर्ट हो रहा है Fe2+ में CO2 में, ठीक है, और जो नाइट्रोजन है वो कन्वर्ट हो जाएगा
एनओ थ्री माइनस में, ठीक है? तो ट्राई करिए, FeCN6 4 माइनस, तुम ट्राई करोगे या मैं ही बता दूं सीधे? सर आप बता दो। ठीक है, इसमें मैं तुम्हें बोलूंगा कि एक थोड़ा सा जो एक इंफॉर्मेशन और लर्न करने वाली है, वैसे आई गेस तुम 10th क्लास तक याद कर लेते हो, बट स्टिल साइनाइड पे चार्ज होता है माइनस वन, जिसमें वो माइनस वन चार्ज होता है कार्बन पे। SO4 पे चार्ज होता है माइनस टू, जिसमें वो चार्ज होता है ऑक्सीजन पे, ठीक है? ऐसे इस कार्बोनेट CO3 पे चार्ज होता है माइनस टू, इसमें वो चार्ज ऑक्सीजन पे होता है। तो दीज थिंग्स यू हैव टू लर्न, क्योंकि जो हम बेसिक पढ़ चुके हैं उस बेसिक के अकॉर्डिंग CN नेगेटिव की आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की कोशिश कर सकते। जितना बेसिक हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बोलूंगा कार्बन और नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। तो कैसे निकालोगे आप? हमने पढ़ा है कार्बन और नाइट्रोजन में जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पे नेगेटिव चार्ज आएगा और इलेक्ट्रो पॉजिटिव पे पॉजिटिव। तो नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या कहते हैं, वो कार्बन से तीन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तीन गेन नहीं कर रहा है, सिंगल बॉन्ड होता तो माइनस वन आता, ट्रिपल बॉन्ड है तो माइनस थ्री आए, और कार्बन पे क्या आ जाएगा, प्लस थ्री। कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे आता है पॉजिटिव चार्ज, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे आता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है? तो यहाँ पे आ जाता है माइनस थ्री, और इधर आ गया प्लस थ्री। अब ये है प्लस थ्री और ये है माइनस वन, तो टोटल जो कार्बन पे चार्ज आया वो कितना हुआ, प्लस थ्री और माइनस वन, कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई और नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइनली लिख रहे हैं, कार्बन की आई प्लस टू और नाइट्रोजन की आई माइनस थ्री। बोलो किसी को डाउट है कि मैंने सी एन नेगेटिव में कार्बन और नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाली? ओके, अब कुछ नहीं करना है, सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें लिख देनी है। तो ये जो लर्न करने वाला पार्ट है इसको मैं नीचे लिख देता हूँ। बोलो, कोई कुछ कहना चाह रहे हैं? सर एक बार बता दो। ओके, ये है CN नेगेटिव, और जो हम बेसिक रूल लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज आएगा और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव, वही किया है। सिंगल बॉन्ड होगा तो माइनस वन, डबल होगा तो माइनस टू, ट्रिपल होगा तो माइनस थ्री। नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ट्रिपल बॉन्ड है तो नाइट्रोजन पे माइनस थ्री आ गया। कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ट्रिपल बॉन्ड है तो प्लस थ्री आ गया। और कार्बन पे सी एन नेगेटिव होता है, एक नेगेटिव चार्ज कार्बन पे ऑलरेडी है, तो सी एन नेगेटिव जो हम लिखते हैं, मतलब आपको जो बात ध्यान देनी है क्या है कि जो हम सी एन नेगेटिव लिखते हैं नॉर्मली उसमें लिखते तो ऐसे हैं, बट ये नेगेटिव चार्ज होता कार्बन पे, ये हमें पता होना चाहिए। तो अब हमने टोटल चार्ज निकाला तो कार्बन पे प्लस टू आया और नाइट्रोजन पे माइनस थ्री, ये ऑक्सीडेशन स्टेट हमने कैलकुलेट की। बोलो क्लियर है? Yes. Now, अब हम क्या करेंगे, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए आयरन हो गया X, CN पे होता है माइनस वन चार्ज और 6CN के लिए मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल टू नेट चार्ज माइनस फोर। तो X माइनस सिक्स इज इक्वल टू माइनस फोर, X इज इक्वल टू प्लस टू, ठीक है? X क्या आ गया, प्लस टू आ गया, क्लियर है? यस सर। तो अब मैं सारी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख रहा हूं, आयरन प्लस टू, कार्बन प्लस टू, नाइट्रोजन माइनस थ्री, ठीक है? कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं इसे सर्कल कर देता हूं ताकि समझ आ जाए कि कार्बन का प्लस टू है, नाइट्रोजन का माइनस थ्री। अब प्रोडक्ट में देखते हैं, ये प्रिंटिंग एरर है, ये Fe2 जो है वो चेंज हो रहा है Fe3+ में।
CO2 में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है +4, और NO3- में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है +5। अब हम क्या कर रहे हैं, कंप्लीट ट्रांसफर देख रहे हैं। पहले तो ये चेक करो सभी, क्या हम सही हैं इस बात पे, आयरन +2 से जा रहा है +3 में, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यस और नो? यस। सर कार्बन +2 से जा रहा है +4 में, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यस और नो? यस। सर नाइट्रोजन -3 से जा रहा है प्लस फाइव बायोग्लास में, भी है। ठीक है बस मैं लीव कर रहा हूँ। तो ये हो गया -3 से +5 में ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो सब में देखते हैं नेट इलेक्ट्रॉन लॉस कितना है। +2 से +3 में गया तो इलेक्ट्रॉन लॉस 1, +2 से +4 में गया तो इलेक्ट्रॉन लॉस 2, लेकिन कार्बन 6 है तो 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से, नेट लॉस हो जाएगा 12। कार्बन 6 कैसे है, CN6, 6 इसका कॉफिशियंट है, तो कार्बन 6 है तो जो पर मोल में होता है उससे मल्टीप्लाई। उसके बाद इलेक्ट्रॉन लॉस -3 से +5 हो रहा है तो 8, लेकिन नाइट्रोजन कितने है 6, तो मल्टीप्लाई 48। तो एन फैक्टर अगर कोई पूछता है Fe-CN6 4- का क्या होगा, 1 + 12 + 48, आंसर आ गया 61। बोलो समझ आया एन फैक्टर? यस सर। यस सर। ओके, तो फिर हम कल आगे कंटिन्यू करते हैं।